प्लेट्स के क्वेश्चन कैसे करने हैं इसको देखना है। तो प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग प्लेट्स, प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग प्लेट्स, ठीक, प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग प्लेट्स। तो इसके अंदर लेट अस सपोज ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है। लेट अस सपोज, ठीक, ये 20 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, ठीक, ये तीन प्लेट्स हैं और एक बैटरी कनेक्टेड है तीन प्लेट से। हमने प्लेट्स के क्वेश्चन पहले किए हैं पर हमने कभी बैटरी नहीं उसके साथ कनेक्ट की। हमने कहा ये Q1 है, ये Q2 है, Q3, आप फटाफट यहाँ x माइनस x रखते हैं तो यहाँ पे चार्ज सेम हो जाता है। इसमें ही लगेगा वो रूल, क्यों? क्योंकि इसमें बैटरी कनेक्टेड है, ठीक। तो वो प्लेट्स जिनमें बैटरीज कनेक्टेड है उनको कैसे करना है देखें, स्टार्ट करें, ठीक है यहाँ तक। तो रूल नंबर वन इन क्वेश्चन को करने का, पहला रूल कि अगर ये 0 है तो ये 0 वोल्ट है, अगर ये 20 है तो ये 20 वोल्ट है, और ये भी 20 वोल्ट है, और ये प्लस है और ये माइनस है, और अगर ये प्लस है तो इन प्लेट्स को कौन सा चार्ज मिलेगा? प्लस। और क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये मत सोचना यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर आपने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कंडक्टर के साथ जोड़ दिया तो दोनों तरफ कौन सा चार्ज आएगा? माइनस ही आएगा, बैटरी कनेक्टेड है ना, इसलिए। बैटरी ना कनेक्टेड होती फिर प्लस माइनस हो जाता, बैटरी की वजह से पूरा का पूरा नेगेटिव, और ऐसी बैटरी की वजह से यहां पर भी पूरे का पूरा पॉजिटिव, ये लो, बैटरी की वजह से यहां भी पूरा का पूरा पॉजिटिव, ठीक है यहां तक। यहां तक क्लियर है? सपोज करो इस क्वेश्चन में यहां पर जो चार्ज है माइनस है, बैटरी का क्या रूल है? बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल माइनस क्यू चार्ज देते हैं तो प्लस टर्मिनल प्लस क्यू देते हैं। तो मान लो इसने इसको टोटल चार्ज कितना दिया? माइनस क्यू। तो यहां से टोटल चार्ज कितना जाएगा? प्लस क्यू, दोनों तरफ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ राइट पे कुछ लेफ्ट पे, ठीक है यहां तक। अच्छा एक और चीज़ इसमें ने, यहाँ पर चार्ज को प्लीज़, यहाँ बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं आएगा, उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज प्लेट है और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगी, हालांकि टोटल चार्ज यहाँ पर प्लस ही होगा, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ माइनस होगा, टोटल चार्ज प्लस ही होगा, लेकिन वो इस तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा अंदर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर क्या, कौन सी प्लेट रखी हुई है आपने? नेगेटिव। बाहर कैसे जाएगा? क्योंकि वो तो अट्रैक्शन हो जाएगी ना इस तरफ, तो इसलिए यहां पर ऑलमोस्ट जीरो चार्ज रहता है, तो इस यहां चार्ज को मत लेना। तो पहला रूल क्लियर है? तो पहला रूल फिर से, ये माइनस है बीच की, वो तो माइनस चार्ज पूरा कंडक्टर है इसमें, इसमें दोनों की तरफ होगा, इसलिए क्योंकि यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर भी पॉजिटिव है, दोनों तरफ अट्रैक्शन हो गई, टोटल चार्ज इसमें माइनस क्यू। इन दोनों प्लेट्स पे सिर्फ अंदर की तरफ चार्ज होगा, बाहर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इधर भी माइनस क्यू ने अट्रैक्ट किया, इधर भी माइनस क्यू ने अंदर की तरफ अट्रैक्ट किया, यहां तब जाएगा जब यहां भी प्लेट होगी जो और से क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, इसलिए आउटर में चार्ज मत लेना, ठीक है यहां तक। अब इस केस में लेट अस सपोज यहां चार्ज एक्स आ गया, एक्स आ गया, ठीक, मान लो चार्ज एक्स है, कोई डाउट इसमें? और टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी थी इसमें? क्यू, क्यू में से ये प्लेट एक्स ले गई तो ये कितना ले गई? क्यू माइनस, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया दोनों प्लेट्स का मिला के? क्यू।
ठीक, इसका हिसाब बराबर इसका देखें। अब इस केस में यहां से आएगा माइनस एक्स, माइनस एक्स, और यहां से कितना आएगा माइनस क्यू माइनस एक्स। चेक कर लो, इन दोनों को ऐड करो, ऐड करके टोटल चार्ज कितना आ रहा है माइनस क्यू। ऐड कर लो टोटल चार्ज कितना आ रहा है माइनस क्यू। तो यही रूल है बैटरी का, इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू। ठीक ठीक है यहां तक। उसके बाद आपको प्लेट्स की सेपरेशन क्वेश्चन में गिवन होती है, दिस इज एक्टिंग लाइक फर्स्ट कैपेसिटर, दिस इज एक्टिंग लाइक सेकेंड कैपेसिटर, प्लस माइनस चार्ज। तो ये एक दो कैपेसिटर की तरह काम कर रहे हैं, ठीक। और एरिया प्लेट का इसमें सेम गिवन होगा, तो C1 C2 की वैल्यू तो दोनों में सेम होगी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो दोनों प्लेट्स में दोनों कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? अब इसके अंदर जो फर्स्ट कैपेसिटर है इसमें चार्ज कितना है एक्स, एक्स इज इक्वल टू इसमें कैपेसिटेंस कितनी है C1, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 माइनस 0। तो चार्ज इज इक्वल टू सी इंटू वी, तो एक्स इज इक्वल टू C1 इंटू 20 माइनस 0 क्यू इज CV। कोई डाउट इसमें? सिमिलरली इसके अंदर चार्ज कितना है क्यू माइनस एक्स इज इक्वल टू C2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अंदर भी कितना है 20 माइनस 0। तो इसके लिए लगाया क्यू इज इक्वल टू CV, यानी कि एक्स इज इक्वल टू C1 इंटू वी, और इसके लिए भी चार्ज इज इक्वल टू CV। दो ही क्वेश्चन आ गई, दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो आएगा फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के अंदर साफ क्लियर है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 माइनस 0, इसमें भी कितना है 20 माइनस 0, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसका मतलब दे आर सपोज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आंसर आएगा C1 प्लस C2। मेडिकल वालों को तो बस इतना ही आएगा, ज्यादा से ज्यादा चार्ज आ जाएगा। तो ये दो इक्वेशन आ गई, C1 C2 आपको एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की हेल्प से निकल आएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, एक्स आ गया तो इनर आउटर पे चार्जेस वैल्यू आ जाएगी। तो दो प्लेट्स, तीन प्लेट्स का तो क्लियर है, तो मेडिकल में तो बस इतना ही आ सकता है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? चार्जेस क्यू इज इक्वल टू CV लगा रहे हैं फर्स्ट कैपेसिटर में, क्यू इज इक्वल टू CV लगा रहे हैं सेकेंड कैपेसिटर में। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। अब नॉन मेडिकल का देखते हैं। नॉन मेडिकल के अंदर चार प्लेट्स का क्वेश्चन है। सपोज फर्स्ट प्लेट, सेकेंड प्लेट, थर्ड प्लेट, फोर्थ प्लेट, और इसके अंदर ये V और ये जीरो, और ये प्लेट पीछे से कनेक्टेड आपस में। क्वेश्चन है चार्ज निकाल लो हर प्लेट पे और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो इसकी, क्या होगी चार प्लेट्स की? मेडिकल में नहीं आएगा, आप दो मिनट रिलैक्स करो, मेडिकल वाले जितने भी हैं। ये तो समझ में आ गया, पहले वाला सफिशियंट है, वैसे सीख लो वो आपकी इच्छा है। ठीक, देखो सबसे पहले रूल नंबर 1, हम स्टार्ट हमेशा कहां से करेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी, नेगेटिव। तो ये बात तो पक्की है कि यहां पर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव, और यहां पर कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव। पहला रूल क्लियर? और अगर यहां पॉजिटिव आएगा तो यहां क्या आएगा नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव है तो यहां पर क्या आएगा? ठीक है यहां तक। कोई डाउट इसमें? ठीक, रूल नंबर 2, पॉजिटिव टर्मिनल कितना चार्ज देगी कैपिटल क्यू, और नेगेटिव कितना होगा माइनस क्यू। तो कुल मिला के दोनों पे चार्ज, मान लो इसमें चला गया क्यू डैश, तो इसमें कितना आया क्यू माइनस क्यू डैश। ठीक है, टोटल चार्ज रिमेंस क्यू, और अगर इसमें क्यू डैश है तो यहां पर कितना माइनस क्यू डैश, और अगर इसमें इसके अंदर क्यू माइनस क्यू डैश है तो यहां पर माइनस क्यू डैश। ठीक,
क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ पर कितना चार्ज आएगा? अब टोटल चार्ज क्या आना चाहिए? माइनस क्यू, तो यहाँ पर कितना आएगा? माइनस क्यू डैश, ऐड कर लो माइनस क्यू डैश, और यहाँ से ऐड करोगे दोनों मिला के तो आंसर माइनस क्यू आ रहा है, और अगर ये माइनस क्यू डैश तो ये प्लस क्यू। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गई प्लेट्स पे, नॉन मेडिकल समझ में आ रहा है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लोगे, बस यहीं तक इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो हो जाता है, कुछ नहीं है इसके बाद तो। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही मेन है, सच क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें लास्ट स्टेप ये है, इसका पोटेंशियल अपने आप डेवलप हो जाएगा क्योंकि इसमें चार्जेस आ गए। तो मान लो यहां का पोटेंशियल है V डैश और यहां का पोटेंशियल भी क्या है V डैश, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड बाय सम वायर, तो दोनों का पोटेंशियल V डैश कर लिया। ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? अब लास्ट स्टेप, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, सबकी कैपेसिटेंस सेम होगी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, क्योंकि एरिया भी सेम होता है और डी भी सेम होता है, तो कैपेसिटेंस तीनों की एग्जैक्टली सेम लेनी है। तो फर्स्ट कैपेसिटर से शुरू करते हैं, फर्स्ट कैपेसिटर पे चार्ज कितने है? क्यू डैश इज इक्वल टू कैपेसिटेंस सी इन टू पोटेंशियल डिफरेंस कितने है? वी डैश माइनस ये कितने है? वी, तो ये वी है और ये कितने वोल्ट है? जीरो वोल्ट, ये वी है और ये जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस कितने है? वी डैश माइनस वी की, वी माइनस वी डैश। बैटरी से ऊपर पोटेंशियल कहां से लाओगे? बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल सबसे हाई पोटेंशियल पे होता है, बाकी होंगे तो बैटरी नहीं दी है उनसे लो होगा, तो V माइनस वी डैश। सेकेंड कैपेसिटर के लिए चार्ज कितने है? Q माइनस क्यू डैश इज इक्वल टू कैपेसिटेंस C इन टू पोटेंशियल डिफरेंस कितने है? V माइनस जीरो। ठीक, थर्ड कैपेसिटर के लिए चार्ज कितने है? क्यू डैश, क्यू डैश इज इक्वल टू सी इन टू कितना? V माइनस अगेन जीरो, सॉरी वी डैश माइनस जीरो, वी डैश माइनस जीरो। ठीक है यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक तो क्यू इज सी वी, क्यू इज सी वी, क्यू इज सी वी, तीन इक्वेशन। तो अगर क्वेश्चन में आया क्यू डैश निकाल लो, इसमें मतलब चार डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो, चार डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको क्या चाहिए होगा? क्यू डैश। आपको न्यूमेरिकल में वी वोल्ट गिवन होगा, कैपेसिटेंस गिवन होगी, तो आपको आपके पास वेरिएबल क्या बचे? क्यू डैश और क्यू। साइमल्टेनियसली सॉल्व करके क्यू डैश आ जाएगा इन तीनों इक्वेशन से, न्यूमेरिकल नहीं है, जो तरीका बता रहा हूं आपको, वैल्यूज तो गिवन होंगे एक न्यूमेरिकल में, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा? क्यू डैश आ जाएगा, और क्यू डैश आ गया तो सारे चार्जेस आ जाएंगे एक क्वेश्चन। अगर ये नहीं आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ सकती है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस केस में क्या होगी? टोटल चार्ज जो बैटरी ने दिया, बैटरी ने कितना चार्ज दिया कुल मिला के? क्यू, और बैटरी के दो टर्मिनल में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितने है? वी माइनस जीरो, एक टर्मिनल वी पे है तो दूसरा जीरो, तो दिस इज नोन एज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी? टोटल चार्ज बाय टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है यहां तक? अगर आप ये साइमल्टेनियसली सॉल्व करो यहीं से, तो आपके पास क्यू डैश और वी डैश को अगर आप इलिमिनेट कर दो, घर जाके सॉल्व कर लो तीन इक्वेशंस को, तो रेशियो आ जाएगी क्यू बाय वी की कोई 3/2c। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके क्यू बाय वी की रेशियो निकाल लेना, जो कि 3/2v आएगी और 3/2c आएगी। तो यानी कि पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ गई? 3/2c आंसर, ऐसे निकलेगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यही तो थी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्यू अपॉन वी की रेशियो इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। मेडिकल वाले रिलैक्स नहीं, आप भूल जाओ, बिल्कुल भी नहीं आएगा आपको। आपको मैक्सिमम तीन प्लेट्स आएगा, या जैसे मैंने आपको बताया आज इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक निकालना, वो पक्का आएगा, उस टाइप का आएगा आपको। जब आप मेडिकल की बुक्स पढ़ोगे आपको अपने आप मिलेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको एक आध क्वेश्चन मिलेगा प्लेट्स के ऊपर, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। नॉन मेडिकल की कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी कहीं से भी, बस ये नहीं पता कि कहां से आया, किसके मन में क्या आ गया, बस उसने डाल दिया। तो ये नहीं सोचेगा कि वो आसान लगेगा बच्चे को या मुश्किल लगेगा, बस उसको लगता है ठीक तो ठीक है। ठीक, क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो नेक्स्ट टाइम विल बी